नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। देश भर में बढ़ते पेट्रोल, रसोई गैस, बढ़ती महंगाई के विरोध में विपक्ष के सभी बड़े नेता अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। बिहार के लोकप्रिय नेता लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव महंगाई के विरोध में साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे, तो दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ऑटो रिक्शा को रस्सी से खींचा। साथ ही ममता बनर्जी ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में इलेक्ट्रिक स्कूटर से सचिवालय पहुंची। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार विपक्ष को कैसे चुप कराती है, क्योंकि बीजेपी सरकार के आने के बाद महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। देश के लोगों जो अभी कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, अगर उनके ऊपर महंगाई की मार पड़ती है तो एक आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार इस मुश्किल से कैसे लोगों को निकालती है, यह एक देखने वाली बात होगी।